नमस्कार, मैं डॉक्टर आरपी सोनकर एक बार फिर नए अपडेट्स के साथ हाजिर हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, आज जिस मुद्दे पर मैं आपसे बात करूंगा वह यह है कि बीएचयू यूजी एंड पीजी एडमिशन की लेटेस्ट जानकारी क्या है। प्रिय विद्यार्थियों, बहुत सारे यूजी एंड पीजी के स्टूडेंट्स ने बहुत सारे सवाल और बहुत सारी जानकारी के बारे में बात की है, उन जानकारी मांगा है। मैं सभी तरह के सवालों और जानकारी से संबंधित प्रश्नों को शामिल तो नहीं कर सकता एक छोटे से वीडियो में, लेकिन उन सवालों को जरूर मैं लूंगा जो मैक्सिमम ज़्यादातर विद्यार्थियों के वो सवाल हैं, जिनके सवाल को मैं शामिल नहीं कर पा रहा हूं। कृपया मुझे आप माफ़ करें, क्योंकि सभी सवालों को एक ही वीडियो में लेना संभव नहीं है। मैं कोशिश करूंगा अगले राउंड में, अगले वीडियो में मैं आपके सवाल को निश्चित रूप से लूँ। सबसे पहला सवाल लेते हैं, जो बहुत सारे बच्चों ने पूछा है कि एफिलिएटेड कॉलेजेस का जो प्रेफरेंस है हमने नहीं भरा है, तो क्या हमें एफिलिएटेड कॉलेजेस में एडमिशन मिल सकता है या मिलेगा? बिल्कुल नहीं। यदि आपने एफिलिएटेड कॉलेजेस का प्रेफरेंसेस नहीं भरा है, तो उस कंडीशन में आपका इंडेक्स ज़्यादा होने के बावजूद भी आपका एडमिशन एफिलिएटेड कॉलेजेस में नहीं होगा, क्योंकि आपने अपने आप को वहां पर रजिस्टर्ड नहीं किया है, मतलब प्रेफरेंस नहीं भरा है, मींस आपने क्लेम नहीं किया है कि मैं वहां एडमिशन लेना चाहता हूं। दूसरा अगर सवाल मैं देखूं तो बहुत सारे बच्चों ने पूछा है कि डेडलाइन पर फीस जमा नहीं कर पाने के बाद क्या हम बाद में जमा कर सकते हैं या क्या दिक्कत होगी? प्रिय विद्यार्थियों, जब भी कोई कट ऑफ जारी होता है उसमें आने वाले सभी स्टूडेंट्स को टाइम लिमिट के साथ पोर्टल पर मैसेज भेज दिया जाता है, यानी उसमें साफ साफ लिखा रहता है कि आपका एडमिशन कहाँ हो रहा है, कौन सा सब्जेक्ट एलोकेशन यानी सब्जेक्ट कम्बिनेशन आपको मिल रहा है और किस डेट को कितने से कितने बजे के अंदर आपको फीस जमा करना है। यदि आप उस डेडलाइन के अंदर अपनी फीस जमा नहीं करते हैं तो यह मान लिया जाता है कि आप उस कोर्स में पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हैं और आपको एडमिशन की प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाता है और आपको बाद में फीस जमा करने का मौका भी नहीं दिया जाता है, बल्कि उस जगह पर आपसे कम इंडेक्स वाले को अगले कटाव में शामिल किया जाता है और उसके पास फीस जमा करने की सूचना भेज दी जाती है। तीसरा अगर महत्वपूर्ण सवाल लें तो बहुत सारे बच्चों ने पूछा है कि एडमिशन यानी जो सब्जेक्ट एलोकेशन है उसको लॉक करने के बाद अपग्रेडेशन का चांस मिलता है या नहीं मिलता है, या लॉक करने के बाद क्या उसको बाद में कैंसिल कराया जा सकता है? देखिए, जब भी आपका एडमिशन किसी भी कोर्स यूजी पीजी के किसी भी कोर्स में या सब्जेक्ट में आपका एडमिशन होता है, अगर आप अपने एडमिशन से पूर्ण रूप से संतुष्ट होते हैं, उस कंडीशन में आपके पोर्टल पर भेजा गया एक मेल आईडी जो लॉकिंग से संबंधित होता है उस पर एक रिक्वेस्ट भेजते हैं, प्लीज़ लॉक माय स्टेटस, जिसके आधार पर आपके सब्जेक्ट एलोकेशन या एडमिशन को लॉक कर दिया जाता है। लॉक करने के बाद किसी भी अपग्रेडेशन का चांस नहीं रहता है, पूरा खत्म हो जाता है। जब एक बार आपने अपना सब्जेक्ट एलोकेशन या एडमिशन लॉक करा लिया, उसके बाद इसको रीओपन नहीं किया जा सकता। वहीं अगर हम जल्दी से चौथा सवाल लें तो बहुत सारे बच्चों ने पूछा है कि एडमिशन होने के बाद हम लोगों को, जैसे अगर हम बीए सोशल साइंस की बात करें, आर्ट्स की बात करें और भी कोर्सेज की बात करें, उसमें स्टूडेंट्स को ये मैसेज भेजा गया था कि जिन स्टूडेंट्स का एडमिशन बीएचयू मेन कैंपस में हो गया वो 3 नवंबर 2022 को रिपोर्टिंग उस फैकल्टी में आकर के करें। यदि हम 3 को नहीं पहुंचते हैं तो क्या होगा, या हम पहुंचें तो क्या लेकर के जाएं? प्रिय विद्यार्थियों, जैसे हम फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड सोशल की बात करें, तो यदि उसमें आपका एडमिशन हो गया है तो रिपोर्टिंग करने के लिए, यदि आप आर्ट्स में हुआ है तो फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में, और सोशल में हुआ है तो फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस, इसी तरह के अन्य में कोर्सेज में हुआ है तो उस फैकल्टी में आपको आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने शुरू हाई स्कूल से लेकर के इंटरमीडिएट से लेकर के और कास्ट और इनकम से लेकर के सारे जितने भी एडमिट कार्ड वगैरह जितनी भी चीज़ें उनको लेकर के आपको संबंधित फैकल्टी में रिपोर्ट करना है, और सारे का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी आप अपने पास रख लें और फोटो स्टेट भी कम से कम 2 सेट लेकर के आएँ,
आवश्यकता पड़ने पर जितना रहेगा आप वहाँ जमा करिएगा, बाकी लेके आप घर जा सकते हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी लेकर के रहें, जरूरत पड़ने पर आपको दिखाना पड़ेगा, नहीं तो वो आपके पास रहना चाहिए, ठीक है। और यदि मान लीजिए आप उस डेट को रिपोर्ट नहीं करते हैं तो भी आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला है। आपका एडमिशन हो गया है तो आप एक दो दिन बाद भी रिपोर्ट करके सारे डॉक्यूमेंट्स आप फैकल्टी में उपलब्ध करा सकते हैं। अगर हम पांचवा सवाल लें जो बहुत सारे बच्चों ने पूछा है कि कौन सा एफिलिएटेड कॉलेज सबसे अच्छा है, देखिए सारे एफिलिएटेड कॉलेजेस BHU के बहुत अच्छे हैं और बहुत संक्षिप्त में यहाँ पर इसके बारे में बताने से अच्छा है कि मैं एक अलग वीडियो में BHU का कौन सा एफिलिएटेड कॉलेज सबसे अच्छा है मैं बात करूँगा, जहाँ पर विस्तृत रूप से आप सारे एफिलिएटेड कॉलेजेस में तुलनात्मक रूप से समझ सकेंगे कि हम किस कॉलेज में पढ़ सकते हैं या आपके हिसाब से आपके अनुसार कौन सा एफिलिएटेड कॉलेज सबसे अच्छा हो सकता है। अगर मैं छठा प्रश्न के बारे में बात करूं तो एडमिशन कब तक चलेगा, बहुत सारे बच्चों ने पूछा एडमिशन कब तक चलेगा, क्लासेस कब से होंगी और एडमिशन इतना लेट हो रहा है तो हमारा जो एग्ज़ाम है वो कब तक होगा। देखिए एडमिशन कब तक चलेगा इसमें सिर्फ मैं ये कह सकता हूँ कि कम से कम मान के चलिए कि अगर हम BA आर्ट्स एंड सोशल साइंस में बात करें तो एफिलिएटेड कॉलेजेस का जो फर्स्ट राउंड का जो रिजल्ट है वो आज अभी घोषित किया गया है, ठीक है। और अगर 10 राउंड भी चलता है और एक राउंड को पूरा करने में 2 दिन का समय लगता है तो मान के चलिए 20 दिन के करीब लग जाएंगे। और आज यदि तारीख 5 है तो आज 4 है तो अगर मान लीजिए 20 दिन लगता है तो लगभग 20 से 25 नवंबर तक का समय एडमिशन की प्रक्रिया को पूरा करने में हो सकता है। वहीं जो क्लासेस हैं जिनका एडमिशन हो चुका है खासतौर से मेन कैंपस में, उनकी क्लासेस चलना स्टार्ट हो जाएंगी और परीक्षा आपका जो शेड्यूल्ड है वो फरवरी में होना तय है। अब वास्तविक स्थिति क्या होगी यह वक्त ही बताएगा। प्रिय विद्यार्थियों, इसके अलावा भी आपने जो बहुत सारे सवाल पूछे हैं या आपके कोई और सवाल या जानकारी चाहते हैं तो आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं अगले राउंड में आपके सवालों को लेने की पूरी कोशिश करूंगा। आप सभी लोग खुश रहें, अपना ख्याल रखें, आप सभी को एडमिशन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।